मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा क्लास 12 बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी यूनिट नंबर 5 में चैप्टर जो है जैव विविधता एवं संरक्षण, उसके क्वेश्चन आंसर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला है लघुत्तरी प्रश्न उत्तर। उष्णकटिबंधीय एवं उपउष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता का क्या कारण है? अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है? इसकी तीन संकल्पनाएं दीजिए। उत्तर हम देखें, कहने का अर्थ है कि जो गर्म क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा जातिगत विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, बजाय कि ठंडे क्षेत्रों की अपेक्षा। उसका कारण क्या है? पहला, जैव विविधता जाति उद्भवन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बढ़ती है। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय में बार बार हिमनदन ग्लेशिएशन होता रहता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अबाधित रहे। इसलिए यहाँ जाति उद्भवन तथा विविधता के लिए लंबा समय मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि ठंडे क्षेत्रों में बार बार ग्लेशिएशन, हिमनदन और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वहां जाति उद्भवन ज्यादा संभव नहीं हो सका। इसके विपरीत जो क्या कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां उनको बाधा रहित प्रयास मिले। दूसरा देखें, उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न होता है, कम मौसमी परिवर्तन वाला रहता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता रहा, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता हुई। क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय वाला पर्यावरण है वो कैसा है, कैसा रहा, उसमें परिवर्तन कम हुए, मौसमी परिवर्तन कम हुए, तो वहां पर ज्यादा जातिगत विविधता दिखाई देने मिली। तीसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्र में तो सौर ऊर्जा अधिक मिलेगी, तो यह उच्च उत्पादकता का क्षेत्र रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सनलाइट ज्यादा है वहां पर प्रोडक्टिविटी, जो प्लांट्स वगैरह है वो ज्यादा रहेंगे, जिसके परोक्ष से अधिक जैव विविधता पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, जैव विविधता की संकल्पना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जैव विविधता, आप कई बार इसको अपन समझ चुके हैं, अगेन फिर से ये क्वेश्चन आया है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की अधिकता या जैव समृद्धि को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य किसी परिभाषित क्षेत्र में पाए जाने वाली सभी समष्टियों, प्रजातियों एवं समुदायों से है। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब देखते हैं जैव विविधता को तीन श्रेणीबद्ध स्तरों पर कैसे व्यक्त किया जाता है। इसके तीन स्तर हमने पहले डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो पहला है आनुवांशिक विविधता। वह प्रजाति विशेष में आनुवांशिक विभिन्नता या जीनों की कुल संख्या या डीएनए बहुरूपिता आनुवांशिक विविधता कहलाती है, अर्थात जेनेटिक लेवल पर पाई जाने वाली विविधता। दूसरा है प्रजातीय विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या या प्रजाति समृद्धि जो है वो प्रजाति विविधता कहलाई जाती है। संक्षेप में इसको हम कह सकते हैं प्रजातियों की कुल संख्या। तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता, इकोलॉजिकल डिफरेंसेस। इससे तात्पर्य किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले तरह तरह के पारिस्थितिक तंत्रों से हैं, जैसे रेगिस्तान, वर्षावन, गरान, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरी आदि से है। जैव विविधता संकल्पना यह दर्शाती है कि जैव विविधता का जो ताना बाना है बहुत ही संवेदनशील होता है, तथा किसी एक कड़ी को यदि प्रभावित किया जाता है तो इसका ज्यामिति प्रभाव नजर आता है। इसका एक उदाहरण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी एक प्रजाति के समाप्त हो जाने से उसके सह अस्तित्व में रहने वाली कई प्रजातियों के विलुप्तीकरण से समझा जा सकता है। प्राकृतिक आवास के सिकुड़ने तथा खंडीकरण से कई जातियों के विलुप्तीकरण के खतरे के रूप में देखा जा सकता है। जैव विविधता की हानि पूरे पारिस्थितिक तंत्र की अस्थिरता एवं असंतुलन को बढ़ावा देता है। मतलब ये सारी जो कड़ियां हैं जैव विविधता की, सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। यदि किसी एक कड़ी या किसी एक चेन, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में से किसी भी एक चेन को हम अलग करते हैं, कड़ी को अलग करते हैं, तो पूरा जो तंत्र है वो कैसा हो जाता है, विफल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पवित्र उपवन क्या है?
इसकी संरक्षण में क्या भूमिका है? हम देखते हैं कि कई वृक्षों जैसे आम, तुलसी, पीपल, जंतुओं जैसे गिद्ध, गरुड़, मोर को आध्यात्म तथा धर्म से जोड़ दिया गया है। क्यों? उनकी रक्षा एवं संरक्षण हो सके। किस रूप में? सांस्कृतिक और धार्मिक जिम्मेदारी के रूप में। कई बार एक पूरा क्षेत्र, चाहे वह जंगल का हो, पहाड़ की चोटियां हो, नदियां हो, जलाशय हो, घास के मैदान हो, या किसको किसी न किसी विशिष्ट देवी देवता के नाम से जोड़कर क्या बना दिया गया है? भारतवर्ष में पवित्र बना दिया गया है। इसकी यह प्रतिष्ठा ऐसे मानवीय स्वार्थ सिद्धि से परंपरागत सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे क्षेत्रों को पवित्र उपवन कहते हैं। मतलब जो क्षेत्र हैं उनको क्या कर दिया है? पवित्र धार्मिकता के नाम पर जोड़ करके किसी देवी देवता विशेष से, या उनको एक धार्मिक वृक्ष मान करके उनको पूजा जाता है हिंदू धर्म में, तो ऐसे क्षेत्रों को पवित्र उपवन कहा जाता है। इस तरह के पवित्र उपवन या आश्रय जैसे मेघालय की खासी, जयंतिया पहाड़ी, राजस्थान की ओरण, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट व मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदरवा, बस्तर क्षेत्र हैं। ये बच्चों ध्यान रखना है कि पवित्र उपवन के नाम, ये आपको एक नंबर के भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और दीर्घ उत्तरी में तो है ही ये बच्चों, तो इनको बिल्कुल आपको याद रखना है। हालांकि विभिन्न स्थानों पर इन उपवनों के लिए बनाए गए नियमों में अंतर पाए जाते हैं, परंतु इन सब में कुछ बातें समान हैं। इसमें पेड़ काटना, जंगल की धरती से कुछ भी बटोरना, पशुओं के शिकार पर पाबंदी सम्मिलित है, इसलिए ये पवित्र उपवन रक्षित हैं। आज इस प्रकार के पुनीत उपवनों के अवशेष ही स्थानिक और संकटोत्पन्न पौधों और पशुओं की प्रजातियों की अंतिम शरण स्थली है। ये प्रजातियों के औषधि एवं प्राकृतिक खजानों के भंडार हैं। ये औषधि एवं विविध पादप प्रजातियां नई किस्मों में सुधार के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऐसी कोई चार तकनीकों की सूची बनाई है जिसमें जैव विविधता के बहिस्थाने संरक्षण के नियम को प्रयुक्त किया गया। बहिस्थाने एक्सीटू, बाहर ले जा करके जैव विविधता के तत्वों का उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से अलग उनकी अतिरिक्त देखभाल की जाती है और संरक्षित किया जाता है, तो यह विधि कैसे कहलाती है? बहिस्थान, यानी जिस स्थान पर वो पशु या प्रजाति है उसको उस स्थान से ना ले जा करके किसी दूसरे स्थान पर संरक्षण देना। ऐसे जंतु जो वनों में विलुप्त हो गए हों, जंतु उद्यानों में सुरक्षित हैं, इन प्रजातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थाने संरक्षण दिया जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक इनके उदाहरण है। वह स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित तकनीक आती है। पहला क्या करते हैं? पादप प्रजातियों के संरक्षण हेतु निम्न ताप पर लक्षित पादपों के बीज संग्रह करना, परागकण का संरक्षण करना और प्लांटलेट संरक्षण करना, ये कार्य होते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा है थोड़ा ज्यादा एडवांस, ऊतक संवर्धन तकनीक के द्वारा विरले जातियों के प्लांटलेट्स तैयार करना। प्लांटलेट्स मतलब छोटे छोटे स्टार्टिंग, मतलब जिससे कि नया पौधा बन सकता है, तथा संरक्षित क्षेत्र में उगाना। जंतु प्रजातियों के संरक्षण हेतु जैसे उनके भ्रूण का संरक्षण, वीर्य का संरक्षण, अंड का संरक्षण, डीएनए का संरक्षण तथा बंदी वंश वृद्धि करना। वंश वृद्धि के बाद उन्हें प्राणी पार्क में पुनः प्रवेशित कराकर संख्या वृद्धि करना। उन दो विधियों का एक एक उदाहरण देते हुए सुझाव दीजिए जो विरले अथवा संकटोत्पन्न स्पीशीज की सुरक्षा करने में सहायक होती है। ऐसी विधि बताना है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में है। तो पहला है उसका बहिस्थाने संरक्षण, यानी जहां जिस स्थान पर वो प्रजाति है उसको दूसरी जगह ले जाकर के संरक्षित करना। तो संकटोत्पन्न स्पीशीज का उसके संकटग्रस्त प्राकृतिक वास स्थान से अलग सुरक्षित वातावरण में वंश वृद्धि कराना बहिस्थाने संरक्षण कहलाता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत अच्छे से याद करके रखिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक प्रजाति है जो बहुत संकट में है और उसी स्थान पर उसकी देखभाल नहीं हो सकती, तो आप क्या करेंगे? ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि उनको प्राकृतिक वास स्थान से अलग सुरक्षित वातावरण में वंश वृद्धि कराना बहिस्थाने संरक्षण कहलाता है। बहिस्थाने संरक्षण के उदाहरण है चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, एक्वेरियम। इसके लिए अन्य आधुनिक तकनीक है बीज बैंक, जीन बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक एवं इन विट्रो संग्रहण। दूसरा आता है स्वस्थाने संरक्षण इन सीटू। इस विधि के अंतर्गत पूरे पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा तथा व्यवस्था प्रदान की जाती है।
जिससे उसकी सभी स्पीसीज ज्ञात एवं अज्ञात संरक्षित रहें। इसके अंतर्गत जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता का पारिस्थितिक महत्व बताइए। अब देखते हैं इसका उत्तर। जैव विविधता एवं पारिस्थितिक स्थिरता आपस में अन्योन्याश्रय संबंध दर्शाते। अन्योन्याश्रय का मतलब एक दूसरे पर घनिष्ठ रूप से आश्रित रहना। प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक डेविड टिलमैन, उन्होंने के अनुसार प्रजाति समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र अधिक स्थिर एवं संतुलित होते हैं। उनका कहना ये था कि जो भी पारिस्थितिक तंत्र में अगर प्रजाति विविधता पाई जाती है, वो कैसे होते हैं, अधिक स्थिर एवं संतुलित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता से निम्नलिखित तात्पर्य है। उस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता टिकाऊ होती है तथा साल दर साल उसमें अधिक अंतर नहीं आता। कहने का मतलब क्या है, जहां जैव विविधता ज्यादा है, सिंपल सी बात है, जैव विविधता ज्यादा है तो वहां पादप प्रजाति और जंतु प्रजाति दोनों में ही क्या होगा, ज्यादा वेरिएशंस पाए जाएंगे, ज्यादा समृद्ध होगी वहां पे, तो वहां पे उत्पादकता कैसी होगी, ज्यादा अच्छी होगी, जिसके कारण उसमें अंतर अधिक नहीं आता है। दूसरा, यह पारिस्थितिक तंत्र समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित बाधाओं तथा विदेशी अलाइन जातियों के आक्रमण को रोकने वाला होता है। मतलब यदि इस प्रकार का समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है तो वो अपनी जो समय समय पर जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या मानव निर्मित बाधाएं होती हैं, उनको भी क्या कर लेता है, दूर कर देता है, उसको रोकने वाला होता है। जैव विविधता समृद्ध होने से कीड़क और रोग चक्रों पर नियंत्रण रहता है। ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा रहेगी, वहां पर जो पीड़क है, कीट है, कीट पतंगे हैं, और जो रोग चक्र है उन पर भी नियंत्रण रहता है, क्योंकि उसके भी रोकथाम के उपाय प्रकृति स्वयं निर्धारित करती जाती है यदि पारिस्थितिक तंत्र अधिक समृद्ध होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समृद्ध जैव विविधता केवल अच्छे परितंत्र के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर मानव जीवन को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए। हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं, भारत के हॉट स्पॉट का वर्णन कीजिए। जैव विविधता हॉट स्पॉट की जो परिकल्पना थी वो किसने दी थी, पर्यावरण ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने दी थी। इन 1988 इन्होंने कहा कि दुनिया के ऐसे सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं जहां उच्च स्थानिकता पाई जाती है तथा बहुत तेजी से प्रजाति विलुप्तीकरण के कारण ये संकट ग्रस्त हो गए हों। हॉटस्पॉट निर्धारित करने के पीछे उन जगहों को उच्च प्राथमिकता के साथ संरक्षण वाले क्षेत्र घोषित करना है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या है, कोई प्रजाति जो है वो संकट ग्रस्त रूप में आ गई है। हॉटस्पॉट निर्धारण के लिए मुख्य रूप से दो मापदंड है। पहला, स्थानिक जातियों की अधिकाधिक संख्या, अर्थात वैसी प्रजातियों की संख्या जो अन्यंत्र नहीं पाई जाती। दूसरा, प्राकृतिक आवास की क्षति के कारण संकटोत्पन्न की गंभीरता। तीसरा, वर्तमान में पूरे विश्व में हॉटस्पॉट निर्धारित किए गए हैं। भारत में तीन है ये। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा श्रीलंका, इंडो वर्मा एवं पूर्वी हिमालयन क्षेत्र। यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से भी कम है, परंतु इन क्षेत्रों में आवासित जातियों की संख्या अत्यधिक है। इन हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले दीर्घ उत्तरी प्रश्न हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे।